मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी बहनों, आप सब सोचेंगे कि मंच पे हमारे विशिष्ट मेहमान, हमारे मार्गदर्शक, हमें सम्मान देने वाले, हमारी पहचान बनाने वाले, भारत का झंडा 120 देशों में बुलंद करने वाले, जिस वीटो पावर के लिए ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, 170 में से 120 देशों का समर्थन लेना, मैं डॉक्टर मंजीत कौर मक्कड़, जो भी सिख परिवार से संपर्क रखती हूँ, सबसे पहले हम भारतीय हैं, सबसे पहले मैं उन बहनों का अभिनंदन करती हूँ कि जो भिन्न भिन्न पदों पर सेवा कर कर और आज इस मंच पे आई हैं। एक वो छोटी सी बच्ची जिसकी सोच इतनी ऊंची उड़ाई हमारे उड़ान उसकी देखिए, वो आज मोदी जी की सोच के साथ उड़ान भर रही है कि मैंने अपने गांव की सड़कों को शहर की सड़कों से जोड़ना है। सबसे पहले मैं मंच पर सुशोभित हमारे मार्गदर्शक बहुत ही पूजनीय और सम्माननीय श्री महावीर प्रसाद टोडी जी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस राह पर काम करने का आमंत्रण दिया। मंच पर सुशोभित मेरे सीनियर भाई विशिष्ट वैद्य संदीप जी, संदीप प्रदीप मिश्रा जी, कार्यालय विशिष्ट सलाहकार प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल, सर आपका भी अभिनंदन करते हैं हम आज कि आपने आज नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए अपना जो समय निकाला और आज मैंने देखा आपकी मैडम भी उसमें आई है, तो मेरी अपील है कि शायद उनकी इस ऊंचाई में आने में उनका बहुत, उनकी इस प्रोग्रेस में उनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि सबने बोला है कि हर पुरुष को ऊंचाई पे ले जाने में एक नारी का हाथ जरूर होता है, चाहे वो घर में नारी हो, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो। अगर हम पुरातन समय की नारी की बात करें तो सती सावित्री सीता की बात, जैसे कि महावीर प्रसाद टोडी जी ने बताया कि हमारा बहुत बहुत नजदीक का रिश्ता है नेपाल की संस्कृति और भारत की संस्कृति का। 29 years से being a principal and I am a national award and an international award principal. I work with so many NGOs, Bharat Vikas Parishad. I work with the under the aegis of Nanil Chow with the Punjab government. कि हम एक छोटा बच्चा पौधे के रूप में पालें, बच्ची का संरक्षण करें, and we are working for the needy girls also. बट इस मंच पे मैं 7-8 साल से आ रही हूँ और काफी गहराइयों से देखने पर कि ये जो पवित्र भावना से काम किया जा रहा है, हमें सबको मिलकर उस भावना का सम्मान करना पड़ेगा। मैं बहुत अपने आप को भगवान समझती हूँ, because I don't have so good command on Hindi, but I will try to give my speech in Hindi. It is the International Women's Day. Maybe it has been started by the on the international stage for the rights of the woman. इसका जो संस्थापन किया गया International Women's Day का, women के rights के लिए आवाज उठाई गई पहले, वो हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान तो उस time सती की प्रथा के अंदर चल रहा था। उस टाइम एक कलयुग के अवतार हुए गुरु नानक देव जी, जिन्होंने कहा सौख्य मंदा के जित जम में राजा,
जहां पर सती की जाती थी पत्नी, पति के शहीद होने पर उसने कहा उसको क्यों कहते हो आप खराब, पंडो ही पंडुबजे पंडे बाज ना कोई, 500 साल पुरानी बात है। इस औरत के गर्भ से ही राजा पैदा हो रहे हैं। भंड का मतलब है औरत। भंडो ही भंड उपजे भंडे बाहर न कोए, सो क्यों बंदा आती है जजा मेरा जान। अरे राजा की उत्पत्ति भी तो इससे हुई है, और कल वो नारी शक्ति का रूप लेकर, दुर्गा का रूप लेकर, रानी झांसी का रूप लेकर, और आपको जानकर खुशी होगी कि चाहे मेरा जन्म झांसी में नहीं हुआ, मेरा जन्म चाहे दिल्ली में हुआ है, पर मेरा ब्रॉटअप काफी टाइम मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, वो झांसी की रानी की धरती पे ही मैं मेरा जो है मेरा लालन पालन हुआ है। सो आज भी हमें अपनी उसी मां नारी शक्ति को लेते हुए, हमारे में बहुत सी आज बिजनेस वुमेन भी बैठी हैं, जो एंटरप्रेन्योर लेडीज हैं इंडिया नहीं इंटरनेशनल लेवल पर, कर्नाटका मैं भी देख रही हूँ, डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, पंचायत, और इसके साथ मैं दो शब्दों को आपको कह के इसको समाप्त करूंगी, आज डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, साथ संभाले वो घर बाहर, घर भी संभाले बाहर भी संभाले, खेल हो राष्ट्र या विदेश में, धूम मचाए अपरंपार। अभी बनाया ना डीएसपी क्रिकेट प्लेयर को पंजाब से, धूम मचाए अपरंपार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उच्च पदों का वो श्रृंगार। देखिए आपके राष्ट्रपति पद पे कौन रही, प्रतिभा पाटिल जी, हमारे ऑनरेबल प्रतिभा पाटिल जी। प्रधानमंत्री जी के पद पर इंदिरा गांधी जी। आप भी उन शक्ति के सक्षम हैं, क्योंकि आप भी एजुकेटेड शायद उनसे ज्यादा हैं। आज अपना जो अपील की है उन्होंने कि नेपाल की संस्कृति, हम अपनी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य इंटरनेशनल चीजें, हम भी जाते हैं अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, मुझे जाने का श्रीलंका, यूके के पार्लियामेंट में भी सम्मान मिला महात्मा गांधी सम्मान, उन्होंने उस सम्मान का नाम क्यों नहीं चेंज किया। अगर यूके की पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अगर हिंदुस्तान से एक नारी को सम्मान दिया जाता है एजुकेशन के रूप में, तो उसका नाम तो कुछ और होना चाहिए था। वहां भी नारी जो है आपकी इंडियन लेडी, शी इज द मिनिस्टर, कनाडा में मिनिस्टर, आपके सीईओ जो है उसमें काम कर रही हैं। तो मैं टोडी जी की भावनाओं का सम्मान करते हुए आज हम कमिट करते हैं, क्योंकि मैं सीता के चरित्र से बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए कि मुझे अपने कॉलेज लेवल तक, स्कूल लेवल से में जब मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का बहुत ज्यादा शौक था, विरासत में मिला। और सुंदरकांड में आपको पता है सीता बने, फिर मैं श्रीलंका भी गई, उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स मिल भी जाएंगे मुझे। देखिए उसका जीवन क्या है, रावण उसको कितना रिझा रहा है, रानियां लेके आ रहा है, मंदोदरी आदि सब रानी, उसको सोने की लंका दिखा रहा है, पर उसका भी जीवन देखिए, क्योंकि वो भी एक तपस्वी है। वो कहता है जब तक तुम हामी नहीं भरोगी तब तक मैं आपको रानी नहीं बना सकता। ये भारत की संस्कृति नेपाल की संस्कृति है, जैसे उन्होंने बताया कि आपका मामे का मामा का घर है, ये उसी धरती की उपज है जिसका इतना उच्च और पवित्र जीवन है, चरित्र है। तो वो क्या बोलती है जब उसको राक्षसियां डराने के लिए आती हैं, आपको सबको मालूम है उनके नाम क्या हैं, तो वो क्या बोलती है,
और जब रावण आता है उसको कभी डराने के लिए आता है, कभी उसको धमकाने के लिए आता है, कभी किसी तरह से आते हैं, तो क्या बोलती है? श्रीनधर ओट, श्रीनधर ओट कहत बह देई, सिमर रघुपत परम सनी। ये मुझे अभी ही दो पंक्तियां दिमाग में आई। एक त्रिन की ओट भी ऐसे तिनका उठा लेती है घास का मां से, अशोक वाटिका से, वो कहती है और राम नाम का सिमरन शुरू कर देती है। हम क्यों डरें? क्या आज हमें समाज, नारी को समाज अगर सम्मान मिला है उसका कारण है हमारे कदरदान हमारे साथ अभी दुनिया में है। और मैं सशक्त नमन करती हूँ आप सबकी तरफ से भी, क्योंकि मैंने 8 साल 9 साल इस संस्था के साथ काम किया और आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जुड़े। नेपाल जो है आज भी उसी संस्कृति पर है, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा पर आज हम बोलने को राजी नहीं है। Maybe we are working in an international schools because this is a global language. We know that if the children, they don't have a good command on this language, they would be not able to give up, to take a flag high of India on an international level. फिर हम कहते थे हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी जिसके माथे पर बिंदी वो आपके माथे का श्रृंगार है। संस्कृति आप, संस्कृत आपकी भाषा का श्रृंगार है। और आज भी आप देखिए, मेरे को अभी पिछला फंक्शन था, एम्बेसडर आए आपके जापान के, नेपाल के, इनसे भी मुझे समय समय पर मिलने का मौका मिला। क्या खूबसूरत संस्कृति, संस्कृत पर इनकी कमांड है। क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने भाषाओं की कदर नहीं की? उनके दरबार में 52 कवि थे। जाप साहब उन्होंने शुद्ध संस्कृत में लिखा, नमस्तम अकाले नमस्तम त्रिपाले। सो इतने शब्दों को मैं संगोष्ठी हुए आज उस नारी सम्मान का दिवस, और मैं इस संस्था, मुझे इनके बारे में पता तो बहुत कुछ है। ये पैदल रफ्तार जो महात्मा गांधी ने, एकला चलो आप चलिए, राजेंद्र प्रसाद को अपना राजेंद्र कुमार, अपना राजेंद्र जी ने जो बोला बैंगलोर में कि एकला चलो, और चलते गए और काफिले बनते गए। मुझे उम्मीद है हम बहनें जो हैं एक परिवार के साथ शायद 10-10 परिवार इस संख्या में जुड़ते जाएंगे। ये एक मल्टी चैनल वो है, आपकी बहनें, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके भाई और आपके बहन, आप इसको इस कि हमें नेपाल और उसकी संस्कृति के लिए काम करना है। ये मेरी अपील ही नहीं है, मुझे अच्छा लगा है क्योंकि तो हमारी धरती है, हमें इस भारत के मिशन को लेके चलना है। मैं आए हुए सभी मंच पे सबका अभिनंदन करती हूँ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू मस्ट बी ऑन द फ्लाइंग कलर्स लाइक अ कल्पना चावला, लाइक अ किरण बेदी, like you and me. Wish you all the best. Thank you very much.